दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं घरों में, गांव में आप देखे होंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा रहता है, क्यों लगा रहता है, इसका काम क्या है। तो ये पांच तरह के ऐसे प्रश्न और उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर क्या है, व्हाट इज़ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों ज़रूरी है ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। दोस्तों, इस तरह का पांच क्वेश्चन और आंसर जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, तो इस वीडियो में हमने बताए हैं। तो ये वीडियो आप पूरे ज़रूर देखें। दोस्तों, आप नहीं जानते हो तो क्या, आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ट्रांसफार्मर क्या है, व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों, देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर गांव में, ट्रांसफार्मर पोल पे और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है दोस्त। ये ट्रांसफार्मर का हम क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं, आप बिल्कुल आप ध्यान से देखें। ट्रांसफार्मर को आप बोलना है कि एक स्थिर उपकरण है, मतलब ट्रांसफार्मर एक जगह लगने वाला ये उपकरण है, ठीक है। उसके बाद से इसमें इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजने का काम करता है, ठीक है। ये वोल्टेज ना ड्रॉप हो इसीलिए हम लगाते हैं बीच में, बड़े बड़े सर्किट जो खींचते हैं तो, ठीक है। वोल्टेज को हम अपने हिसाब से बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से हम ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, ठीक है दोस्त। और एक ही जगह पर रख के हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर को, इसी को हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है दोस्त। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान से देना है, ठीक है दोस्त। आप बोलना है ट्रांसफार्मर का यूज डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, एग्जांपल के लिए बता दें, इंक्लूडिंग पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ऑडियो सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। वोल्टेज या सर्किट को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को बचाने के लिए ये सर्किट के भी हेल्प करता है, तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। बिजली को, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का भी उपयोग किया जाता है, जो कि पहले आपको बताया आपने, ठीक है दोस्त। ऐसे आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। फिर थर्ड में आप जान लेंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, आपको बोलना है ट्रांसफार्मर बनाने के पर निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर अपने हाथ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो आप एग्जांपल के दो तरह के बताते हैं, कोर टाइप का और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। यह फेस पे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये सिंगल फेस में भी आता है ट्रांसफार्मर, और थ्री फेस में भी ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है दोस्त। ये अपने हाथ से आप बना सकते हैं ट्रांसफार्मर को, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें, प्राइमरी सेकेंडरी, आप देखेंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में प्राइमरी और सेकेंडरी छोटे में भी रहता है, ठीक है, इन एंड आउट बोलते जो। तो आपको प्राइमरी में 220 केवी और 400 केवी आता है, ठीक है, और सेकेंडरी में 132 केवी से लेकर 66 केवी आता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया सेकेंडरी और प्राइमरी में। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। इसको आपको स्टार डेल्टा का भी कनेक्शन में आपको प्राइमरी सेकेंडरी मिलता है। स्टार डेल्टा कनेक्शन नहीं जानते हो, मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें, मैं वीडियो बनाया हूँ। चौथे नंबर का क्वेश्चन आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आपको बिल्कुल आसान तरीका से क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि नए इलेक्ट्रिशियन है उनको नहीं मालूम है, पुराने इलेक्ट्रिशियन को मालूम है। दो टाइप का करंट होता है, ठीक है, एक डायरेक्ट करंट, सेकेंड होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है दोस्त। ये डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग का कहाँ पर यूज होता है हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें, डायरेक्ट करंट जो है, ये जो डायरेक्ट करंट है बैटरी में और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस में यूज करते हैं, क्लियर हो गया, बैटरी और अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिव करंट जो है होम अप्लायंस में, जैसे कि फैन हो गया, इलेक्ट्रिकल लैंप हो गया, वाल हो गया, सॉकेट हो गया, आपके गीजर घर पे हुआ, ये हो गया, ये सब घर में ये अल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं, तो ठीक है दोस्त। ये क्लियर हो गया डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में क्या अंतर है, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट भी हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ठीक है। पांच नंबर का क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो आपको आंसर देना है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट चलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट चलाने के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि होम अप्लाइंस कंपनी और फैक्ट्री, ये सब में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि लाइटिंग मोटर को चलाने के लिए फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मोटर लगी रहती है, बैटरी चार्ज के लिए जो घरों में बैटरी चार्ज करते हैं, बहुत सारे जो है कि आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल घर में, अभी तो ज़्यादातर बिना इलेक्ट्रिकल के आप रह नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी के बिना, तो आपको तो मालूम है क्या क्या इससे हम इस्तेमाल करते हैं, आप बता देना है जो आसान लगे आपको क्वेश्चन का। दोस्तों इस वीडियो से अगर थोड़ा भी आपको हेल्पफुल मिला होगा, थोड़ा भी फ़ायदा होगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने व्यूअर हैं तो मेरे चैनल पे कमेंट जरूर करें ये वीडियो कैसी लगी।